सो हे गाइस, वेलकम बैक टू इंपोर्ट मोटर वर्क्स। दोस्तों मैं संकल्प और स्वागत है फिर से एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज अपने पास में है ऑडी Q3 TDI डीजल कार है अपने पास में। दोस्तों ऑटोमेटिक गाड़ी है और इस गाड़ी के अंदर दोस्तों एक प्रॉब्लम है कि ये गाड़ी का जो मीटर है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, उसके अंदर में पार्किंग ब्रेक की येलो लाइट आती है, ट्रैक्शन की लाइट आती है, TPMS की लाइट हमेशा रहती है, तो वो क्यों रहती है। दूसरा, इस गाड़ी की जो गियर लीवर है, ऑटोमेटिक कार है, मैं दिखा देता हूँ आपको, तो ऑटोमेटिक इसके गियर लीवर है, ये स्टक हो जाता है, अटक जाता है। अभी भी आप देखेंगे कि मैं ब्रेक दबाए हुआ हूँ और गियर नहीं लग रहा है, तो वो क्यों नहीं लगता। और दूसरा, ट्रैफिक में आप गाड़ी चला रहे हैं, ट्रैफिक में आप खड़े हो गए, सिग्नल है, रेड सिग्नल हो रखी है, तो आपने गाड़ी को रोका ट्रैफिक के अंदर, तो गाड़ी आपने न्यूट्रल पे की या पी पे की, तो दोबारा से जब आप गाड़ी स्टार्ट ही आपकी, जब आप डी पे इसको करते हैं तो क्या होता है कि ये डी पे आती नहीं है, स्टक हो जाता है, पूरा जो गियर का लीवर है वो स्टक हो जाएगा, जाम हो जाएगा, वहीं में हिलेगा भी नहीं। फिर आपको क्या करना होगा जाम से निकलने के लिए, गाड़ी को बंद करना पड़ेगा, स्टार्ट करना पड़ेगा, उसके बाद में फिर इसको डी पे लेना पड़ेगा, तब ये आती है। तो ये इतनी बड़ी लग्जरी गाड़ी के अंदर, कार के अंदर इतनी बड़ी दिक्कत, बड़ी अजीब सी लगती है। फिर उसके अलावा इसके अंदर जो मीटर के अंदर इतनी सारी लाइट्स हैं, तो प्रॉपरली इसका जो ABS है वो भी काम नहीं कर रहा है, ट्रैक्शन की लाइट बराबर कंटिन्यू इसके मीटर में आती रहती है, गियर लीवर अटक जाता है इसका, तो ऐसा क्यों और उसको सॉल्यूशन हम कैसे निकालेंगे, तो वो सब दोस्तों जानने के लिए प्लीज़ वीडियो के अंदर बने रहिएगा, वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। थैंक यू। हाँ जी, तो ये है अपनी ऑडी Q3 2.0 TDI और इसके अंदर ही दोस्तों वो दिक्कत आ रही है गियर लीवर स्टकिंग की और ABS की, ट्रैक्शन की जो लाइट्स इसके अंदर मीटर के अंदर आ रहे हैं, और प्रॉपरली इसका जो ABS सिस्टम है, एंटी क्लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम, वो भी प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है। तो अभी अपन पहले प्रॉब्लम को पता लगाने के लिए पहले अब गाड़ी को स्कैन करेंगे, तो स्कैन के लिए अपन आए हैं अभी और ब्रेक्स को स्कैन करेंगे, पूरा हेल्थ रिपोर्ट अभी नहीं लेते अपन। तो उसके अंदर कुछ फॉल्ट्स यहाँ शो करते हैं, तो वो फॉल्ट कोड किस चीज़ के हैं, कैसे इसको डिसमेंटल करेंगे, फिर दोबारा डालेंगे, क्या वो नया पार्ट डालने के बाद भी काम करेगा, वो सब चीज़ें देखेंगे इसके अंदर। तो ये अभी अपन ने DTC करते हैं, तो उसके अंदर फॉल्ट्स आ रहे हैं, ये कुछ 2-3 फॉल्ट है इसके अंदर। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के अंदर, तो मैं पहले इसकी एक रिपोर्ट बना लेता हूँ जो भी फॉल्ट्स आ रहे हैं, एक बिफोर DTC हो जाएगा, मतलब अपन डिलीट नहीं करेंगे तो क्या फॉल्ट्स थे, और आफ्टर DTC अपन डिलीट करते हैं फॉल्ट्स को, तो उसके बाद में क्या कितने फॉल्ट्स गए या एक भी नहीं गया, और नहीं गया तो वो क्यों नहीं गया। तो अभी अपन ने रिपोर्ट बनाई और इसको भी देखते हैं अपन। तो उसके अंदर टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम कंट्रोल मॉड्यूल, और नीचे वाला एक फॉल्ट आ रहा है, तो ये ABS के फॉल्ट्स हैं, इसका जो ABS सिस्टम है वो ख़राब है, और बाकी इतने सारे फॉल्ट्स इसके अंदर आ रहे हैं पूरी हेल्थ रिपोर्ट लेने के बाद में। इंजन के अंदर भी कुछ फॉल्ट्स हैं, ब्रेक के अंदर भी फॉल्ट्स हैं इसके, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर ही फॉल्ट्स हैं, बाकी लाइट्स वगैरह में फॉल्ट्स हैं, उनसे हमें कोई मतलब नहीं है, अपन सिर्फ ABS का काम करेंगे, जो मीटर के अंदर लाइट्स आ रही हैं, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर जो भी वार्निंग्स आ रहे हैं उनको क्लियर करेंगे और गाड़ी को दोबारा से प्रॉपर करेंगे। तो इसको एक बार क्लियर करके पूरा देखते हैं हेल्थ रिपोर्ट में कि कितने फॉल्ट्स इसके क्लियर होते हैं और क्या क्या फॉल्ट्स इसके अंदर बचते हैं। तो अभी 60% प्रोसेसिंग हो रही है, तो अभी दोबारा से वही फॉल्ट्स इसके ब्रेक्स के अंदर हैं, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम कंट्रोल मॉड्यूल का ये फॉल्ट है, तो इसका मतलब वही है कि इसका जो ABS सिस्टम है वो मेलफंक्शन है, ख़राब हो चुकी है। और अभी अपन गाड़ी स्टार्ट है, ब्रेक दबाऊँगा मैं, और उसके बाद में जब गियर लीवर पीछे करता हूँ तो वो गियर नहीं लगता है और मीटर के अंदर लाइट आ रही है, तो ब्रेक प्रेशर का भी एक फॉल्ट आ रहा है, लोअर इनकरेक्ट बेसिक सेटिंग्स। तो ये है अपनी ऑडी की 3। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसका जो पार्ट ख़राब है यानी कि ABS सिस्टम ख़राब है, उसको अपन बाहर निकालेंगे प्रॉपरली, तो उसके लिए ये कुछ फिटिंग्स होती है, बैटरी की नीचे ही वो खसा हुआ होता है, तो अपने को एयर फिल्टर की बॉडी निकालनी होगी कम्प्लीटली और बैटरी निकालना होगा बाहर की तरफ। तो आइए शुरू करते हैं इसकी फिटिंग को बाहर करना, खोलना, डिसमेंटल करते हैं, और इसके लिए सबसे पहले एयर फिल्टर का जो एक पाइप होता है इसको खोलना होगा, ये एलिंकी के 2 स्क्रूज हैं, और उसके बाद में एयर फिल्टर को बाहर निकालेंगे, पाइप वगैरह सारा एकदम खोल के कम्प्लीटली बाहर निकालना होता है, एयर फिल्टर बॉडी अपनी कम्प्लीटली बाहर आ चुकी है। देन नेक्स्ट इज़ अभी अपन जो इसके बैटरी के टर्मिनल्स हैं उनको रिमूव करेंगे और बैटरी भी अपनी बाहर आ चुकी है। अभी जो बैटरी बॉक्स है
वो बैटरी बॉक्स को भी बाहर निकालेंगे अपन। तो अभी अपन बैटरी बॉक्स को खोल रहे हैं, 10 नंबर के इसके अंदर बोल्ट होते हैं कुछ। और उसके बाद में बाहर आ जाएगा, बिल्कुल जस्ट इसके ठीक नीचे ही कसा हुआ है इसका ABS। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। तो जी ये है इसका ABS सिस्टम, ये जो है ये इसका ABS सिस्टम है। यही पार्ट इसके अंदर फॉल्टी हो चुका है, ख़राब हो चुका है, इसको अपन को चेंज करना पड़ेगा, रिपेयरेबल नहीं होती है ये चीज़। इस पार्ट को अपन चेंज करने वाले हैं नए के साथ में, तो उसके लिए अपन को पहले इसको खोलना पड़ेगा। और किस तरह से खोलते हैं वो जानने के लिए प्लीज़ दोस्तों वीडियो के अंदर बनी रही है। फिटिंग्स इसकी कुछ इस तरह खुलती है, एक सॉकेट है इसका, मेन सॉकेट है, वो निकला जाएगा पहले। उसके बाद में जो उसके पाइप्स हैं ब्रेक ऑयल के, वो खोले जाते हैं। तो ये इसका जो मेन सॉकेट है AC कंप्रेसर का, वो भी रिमूव हो चुका है, वो ABS से बाहर आ चुकी है। वो इस तरह लगी होती है इस तरफ। तो ये इसका लोकेशन आप देख पा रहे हैं, ब्लैक ब्लैक जो सॉकेट है। तो अभी अपन खोलेंगे इसको, जो इसके ABS के ब्रेक के पाइप्स हैं उनको खोलना पड़ेगा, जिनके अंदर में ब्रेक ऑयल चलती है। तो उनको भी अपन खोल रहे हैं। और यहाँ से जब ये लूज़ हुआ तो ब्रेक ऑयल इसके अंदर से बाहर आया। थोड़ा गर्म है तो कपड़े का हेल्प लेना पड़ेगा। एक एक करके इसके सारे पाइप्स खोलने होंगे, हमको रिमूव करने होंगे। इसके सारे पाइप्स एक एक करके हमें खोलने होंगे और सभी से ब्रेक ऑयल आएगी। और जिस तरह से जो भी पाइप की लोकेशन निकाली गई है, मतलब एक नंबर का अगर एक नंबर से खोला तो वो हमें उसी लोकेशन पे नए वाले जो हम ABS फिट करेंगे उसी लोकेशन पे इसके सारे पाइप्स को फिट किया जाएगा। एक भी इधर उधर पाइप नहीं किया जाएगा, वरना वो गलत हो जाएगा। तो एकदम जैसे फिटिंग खोली जा रही है उसको एकदम ऐसे ही करना है। तो ये यहाँ पर पाइप जब खोल रहे हैं तो आप देख पा रहे हैं कि पाइप्स को जब अपन रिमूव कर रहे हैं एंटी क्लॉक वाइज खोल रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि ब्रेक ऑयल बाहर आ रही है और नीचे से टपक रही है। तो ब्रेक ऑयल ये बाहर आएगा, जितना भी इस पाइपलाइन के अंदर ब्रेक ऑयल है वो सारा ब्रेक ऑयल यहाँ से बाहर आएगा। दूसरा ये होगा कि उसकी ब्रेक ऑयल की डिब्बी है जहाँ से अपन ब्रेक फ्लूड को टॉपअप करते हैं, तो वो भी एकदम खाली हो जाएगी। तो इससे क्या होगा कि उसका भी जो भी है एक सफाई इस टाइप का कुछ हो जाएगा, साफ हो जाएगा वो। तो हमको क्या करना पड़ेगा कि दोबारा से जब ये पाइप नए कसे जाएंगे भी इसके अंदर, तो नया ब्रेक ऑयल हमको नई ब्रेक फ्लूड डालनी पड़ेगी। और जब सारी पाइप्स की जो फिटिंग है वो खुलने के बाद में लास्ट में ये एक माउंट पर कसी हुई होती है रबर के, तो इसको भी बाहर निकाल लेते हैं। और ये अपना फाइनली पुराना इस गाड़ी का जो ABS सेंसर है वो बाहर आ चुका है, ख़राब ABS सेंसर बाहर आ चुका है। तो ये होता है दोस्तों Audi Q3 2.0 TDI का ABS सेंसर, सॉरी ABS मॉड्यूल। तो ये है इसका ABS मॉड्यूल। तो ये सिस्टम पूरा कम्प्लीटली फॉल्टी है। ये हैं इसके होल्स जिसमें पाइप्स कसे जाते हैं ब्रेक ऑयल के, और ये है इसका मेन सॉकेट जो ये है,
जो वहाँ पर अटैच होता है उसको कसा जाता है। तो अपन पहले नए वाले जो ABS आई है उसको, दूसरा ABS है उसको खोल के देखते हैं कि वो डिट्टो मैच है या नहीं। पार्ट नंबर वगैरह सारी चीज़ें अपन को मैच करनी होंगी, जो फिनिशिंग है, डिज़ाइन है, सब चीज़ों को मैच करना होगा। तो इसकी अनबॉक्सिंग के बाद में यहाँ से अंदर निकलेगा इसका ABS मॉड्यूल। तो फाइनली दोस्तों आप देख पा रहे हैं ये है इसका न्यू दूसरा वाला Audi Q3 का ABS मॉड्यूल। तो डिट्टो बिल्कुल वैसा ही है ये जैसा गाड़ी के साथ में है, निकला है गाड़ी से बाहर, बिल्कुल सारे वही पाइप हैं इसके, वही लोकेशन पे कसा जाएगा, सारी चीज़ें मतलब मैच है, तो कुछ भी डिफरेंट इसके अंदर नहीं है। अपन इसको आराम से अपनी कार के अंदर लगा सकते हैं। साथ ही साथ हम लास्ट में वीडियो में ये भी जानेंगे कि ये ख़राब हुआ क्यों, होता क्यों है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं इसकी, और ज़्यादा मतलब इसकी जो एज है टाइम पर चले एकदम, उसको भी हम जानेंगे लास्ट में। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि एकदम पुराना ABS जो ख़राब है और दूसरा ABS जो कि ठीक है, और गाड़ी में इसको फिटिंग करेंगे। तो इसको जो पुराना ABS है गाड़ी के अंदर से निकला है उसमें से ये प्लेट है, ब्रैकेट है, इसको खोलना होगा। इसी प्लेट को वहाँ माउंट किया जाता है इंजन के अंदर, इंजन कंपार्टमेंट के अंदर। तो यहाँ पहले इस माउंट को खोल लिया, अभी इसको अपन ब्रैकेट को साफ करके ये जो दूसरी ABS आई है नई इसके अंदर हम कसेंगे। तो ये अपने नए ABS के अंदर ये माउंट को इस तरह से कसा जाएगा, और ये रबर के कुछ ब्रैकेट्स हैं ये गुटके टाइप के हैं, ये जो हैं जो गाड़ी का इंजन कंपार्टमेंट है वहाँ इसको माउंट करना होता है और कसना होता है। तो इसको साफ़ कर लेते हैं और चलते हैं गाड़ी के पास फिट करने के लिए। तो जहाँ से खोला है, जैसे खोला है, वैसे वैसे ही इसको अपन फिट करने वाले हैं अभी। और फिटिंग के लिए तैयार। तो इसको माउंट करते हैं वहाँ जहाँ से निकाला है, इसको लगेंगे और एक एक करके इसके सारे पाइप्स को कसना होगा। एयर निकालनी होगी, किस तरह एयर निकाली जाती है, कैसे एयर आए, ऑयल आएगा, ब्रेक फ्लूड आएगा, वो सारी चीज़ें भी देखेंगे इसके साथ में। तो ये जो पॉइंटर है इसके ऊपर इसको रखा जाता है, माउंट किया जाता है, बहुत सारी जगह नहीं होती है, थोड़ी दिक्कत होती है इसको फिट करने में। तो जब वो माउंट कर दिया है हमने इस मॉड्यूल को, ABS मॉड्यूल को, तो उसके बाद में हम बारी है इसके जो पाइप्स हैं उनको फिट करने की। ये पाइप्स जितने भी मैकेनिक भाई हैं उनको बड़े आराम से ध्यान रखना है कि जो इसके पाइप्स होते हैं बड़ी महीन चूड़ियां हैं इसके अंदर, और बहुत ही पतली इसकी थ्रेडिंग है, और वो बिल्कुल भी स्लिप नहीं होना चाहिए। ज़रा भी अगर वो स्लिप है तो फिर पूरा गेम ओवर हो जाएगा, क्योंकि फिर इसको रिपेयर कराने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो बिल्कुल सीधा सीधा ही इसको और हल्के हल्के हाथ से कसना है, फिटेड करना है। तो लोकेशन हमको याद है सभी पाइपों की, और इसको हम फिट करेंगे क्लॉकिंग वाइज।
तो इसके पाइप्स जितने भी थे दोस्तों फिटिंग हो चुके हैं, सारे पाइप्स इसके कस चुके हैं। यहाँ पांच पाइप आपको देखने को मिलेंगे, चार पहिए के। जो एक पाइप है वो मेन लाइन है जो कि बूस्ट सिलेंडर से आती है यहाँ तक ब्रेक ऑयल, और बाकी चार वो हैं जो कि चारों पहियों पर ब्रेक ऑयल को सप्लाई देंगे। और यहाँ भी अपन लगाने वाले हैं इसका मेन सॉकेट ABS कंट्रोल मॉड्यूल का। सॉकेट आपको लगाते वक्त ध्यान रखना है कि बिल्कुल प्रॉपर बैठना चाहिए। और यहाँ है अपने पास डॉटेड फोर का ब्रेक ऑयल, ब्रेक फ्लूड। ब्रेक फ्लूड एकदम नया डालना होगा इसके अंदर हमें। और यहाँ से कैप रिमूव करेंगे, और ये इसकी लोकेशन है, यहाँ से डालना होता है ब्रेक फ्लूड। तो डिब्बी एकदम खाली हो चुकी होगी, और निकालेंगे इसकी ब्रेकिंग की एयर। एयर निकालते कैसे हैं दोस्तों वो भी देखेंगे। और निकालने के लिए अपने को जो ABS के पाइप से उनको लूज छोड़ना होगा पहले थोड़ी देर तक, उसके बाद में अंदर से पेडल को पुश करना होगा। काफ़ी मतलब 10-15 मिनट के अंदर अंदर आप इसको ऐसे ही खाली लूज छोड़ेंगे, प्रेस नहीं करेंगे, उसके बाद में फिर इसको प्रेस करेंगे और फिर इसकी एयर निकालेंगे। और एयर किस तरह निकलती है वो भी देखेंगे। तो अभी अपन सारे पाइपों को लूज़ करेंगे, मतलब प्रॉपरली इनको टाइट नहीं किया गया है। सॉकेट हम लगा सकते हैं, सॉकेट बैठ गया है। सॉकेट का लॉक बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह आपने देखा होगा कि ECM गाड़ी के होते हैं उसके लॉक्स होते हैं, उस तरह है। तो यहाँ पर ये जो इसके जो ब्रेक ऑयल के, ब्रेक फ्लूड के जो इसके पाइप्स हैं उनको लूज छोड़ा गया है ताकि इसका एयर निकाला जा सके। और वहाँ ब्रेक फ्लूड एकदम टॉप अप है, पूरा है कंप्लीट ऊपर तक। बड़े गौर से अगर आप देखेंगे तो ये पहला पाइप लगा हुआ है, इस पर हल्का हल्का ब्रेक ऑयल आ चुका है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। तो यहाँ इस जगह पर इसके ऊपर हल्का हल्का ब्रेक ऑयल आ चुका है और किसी पर नहीं आया है, वो ये मेन लाइन है इसकी। तो अभी अपने को क्या करना होगा, सब पे लाने के लिए ब्रेक पेडल को पुश करना होगा धीरे धीरे। ये धीरे धीरे हम पुश करेंगे, इसको दबाएंगे और बाहर आकर देखेंगे ABS कंट्रोल मॉड्यूल के पास में कि क्या ब्रेक ऑयल आया या एयर आई। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एयर आती हुई दिख रही है, हवा के आ रहे हैं, हवा आ रही है इसके अंदर से। और बिल्कुल प्रॉपर ऑयल जब तक ब्रेक ऑयल फ्लूड नहीं आ जाएगा, जब तक हम इसको नहीं कसेंगे, ये गंदा गंदा ब्रेक ऑयल अभी आ रहा है और बबल्स आ रहे हैं। तो दोस्तों बस वही एयर होती है, इसको कंप्लीट निकालना अच्छे से, थोड़ा सा ब्रेक ऑयल वेस्टिंग होती है इसमें। ये काफ़ी थोड़ा सा गंदा देखने को मिल रहा है ब्रेक ऑयल, और बिल्कुल साफ़ आ जाना चाहिए और एकदम बिल्कुल भी हवा नहीं होना चाहिए। तो इस पाइप में आ चुका है, इसको अपन टाइट करेंगे, फिर दूसरे को पुश करेंगे हम पेडल को, दूसरे से अच्छे तरीके से निकल जाएगी एयर, फिर उसको हम टाइट करेंगे, फिर तीसरे को, फिर चौथे को, फिर पांचवे को। इसी तरह से हमको सभी से एयर निकालनी है, बिल्कुल भी एयर इसके अंदर लॉक नहीं होना चाहिए, वरना ABS सिस्टम काम नहीं करेगी और ब्रेकिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं हो पाएगी। अभी हम दूसरे पाइपों से निकाल रहे हैं एयर को, तो आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से झाग और ब्रेक ऑयल निकल रहे हैं, अंदर से पेडल पुश हो रही है। साथ ही साथ आपको दोस्तों याद ये भी रखना है ध्यान में कि हम एयर निकालते जा रहे हैं, ब्रेक ऑयल, ब्रेक फ्लूड वहाँ से कम हो रही है, तो उसको भी टॉप अप आप करते रहें, बिल्कुल भी वो भी कम ना हो पाए। अगर वो कम हो जाएगा तो एक तरफ आप एयर निकालेंगे और दूसरी तरफ से क्या होगा कि एयर उसके अंदर इंसर्ट होती रहेगी, तो उसको भी एकदम प्रॉपरली टॉप अप ही रखना है। जिस पाइप को हम कस रहे हैं इससे बहुत अच्छे से एयर निकल चुकी है, प्रॉपर एकदम ब्रेक ऑयल आ चुका है बाहर।
फिर पेडल को पुश करेंगे, छोड़ेंगे और यहाँ से ये दूसरे वाले पाइप से जो वायरिंग के पास लगा है इससे बहुत अच्छे से वो आ रहा है ब्रेक ऑयल, जिसको अभी हम कस रहे हैं। बिल्कुल भी एयर इसके अंदर देखने को नहीं मिली, प्रॉपरली ब्रेक ऑयल देखने को मिला और इसको हम टाइट कर रहे हैं। अब और ये पाइप भी एकदम प्रॉपरली टाइट हो चुकी है, यहाँ पर टाइट हो जाएगी तो हम दूसरे पाइप को वही सेम प्रोसेस करेंगे, सेम प्रोसेस से उसकी भी एयर निकाली जाएगी। और इसके आगे क्या होगा दोस्तों वो सब भी आप प्लीज़ देखते रहिए, ये बहुत काम की चीज़ है आपके लिए। देन अभी अपन इसको पुश करेंगे और यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि झाग आ रहे हैं और अभी प्रॉपरली ब्रेक ऑयल आ चुका है, बिल्कुल अलग दिखाई दे जाता है। जब प्रॉपरली ब्रेक ऑयल आता है तो साफ दिखाई दे जाता है, बिल्कुल भी झाग उसके अंदर नहीं आते हैं, ब्रेक फ्लूड आती है। यहाँ से एकदम टॉप अप है ये भी, हम इसको साथ साथ पूरा करते जा रहे हैं, ये भी खाली नहीं होना चाहिए। तो जब इस पाइप से भी एयर निकल चुका है तो हम इसको भी क्लॉकिंग वाइज जैसे सबको सभी पाइपों को टाइट किया इसको भी हम टाइट करेंगे बड़ी सावधानी के साथ में। तो ये अभी हल्के हल्के एयर निकल चुकी है तो इसके बाद में कट वाली एक रिंच आती है स्पैनर जैसी, उससे फिर हम इसको पाइप्स को प्रॉपरली टाइट करेंगे क्योंकि इस रिंच से पाइप स्लिप होते हैं। हाँ जी, तो एयर प्रॉपरली निकल चुकी है, एक लास्ट पाइप, इससे आप देख पा रहे हैं कि झाग आपको देखने को मिलेंगे। मैं कैमरा जूम कर देता हूँ, ये दो पाइप रह गए हैं लास्ट के और ये एयर निकल चुकी है इनसे भी, जो झाग थे अभी तक वो भी इनके अंदर से जा चुके हैं, यानी कि हमारी एयर निकल चुकी है प्रॉपरली। पूरे एबीएस सिस्टम के अंदर जो भी पाइप्स लगे हुए हैं, मतलब जो बॉटल है ब्रेक फ्लूड को टॉपअप करने की, या ऐसा बोल सकते हैं कि मास्टर सिलेंडर से लेकर के एबीएस के कंट्रोल मॉड्यूल तक जितने भी पाइप्स थे उन सब के बीच में कोई भी एयर नहीं है लॉक, वो एयर अच्छे तरीके से निकल चुकी है, ब्लीडिंग हो चुकी है अच्छे से। अब ब्लीडिंग हो जाने के बाद में क्या करना है वो देखते हैं। तो ये लास्ट पाइप, तो सारे पाइप्स हमारे ऑलरेडी अच्छे से टाइट हैं, कट वाली रिंच से एक बार हाथ मार दिया जाएगा, मतलब टाइट कर दिए जाएंगे ताकि इससे स्लिप ना हो। तो हाँ जी, ये काम कंप्लीट है, अभी अपन ब्रेक ऑयल देखते हैं, पूरा टॉप अप है, ऑल न्यू ब्रेक ऑयल ब्रेक फ्लूड इसके अंदर हमने इंसर्ट की है। देन अभी अपन चेक करेंगे इसका ब्रेक पैडल, तो आ चुका है शायद, अगर आपको देखने में समझ में आ रहा होगा तो आ चुका है ब्रेक पैडल, जितना पुश होना चाहिए दबना चाहिए, क्या गैपिंग लगनी चाहिए, कितनी प्ले होनी चाहिए, सब चीज़ एकदम ऑल ओके है। तो उसकी फिटिंग कर दी हमने, बैटरी ऊपर रख दिया है जैसे आपने देखा था फिटिंग खोलने का, बैटरी बॉक्स बैटरी रखा, अभी अपन फिट कर रहे हैं इसका एयर फिल्टर बॉडी को फिट कर रहे हैं अभी अपन इसकी पाइप की क्लिप और सॉकेट और एयर फिल्टर बॉडी के जो भी बोल्ट स्क्रूज थे उनको टाइटन कर देंगे, और टाइट करने के बाद में ये फिटिंग अपनी ऊपर की कंप्लीट हो जाएगी। फिर बचेगा अपना कुछ थोड़ा सा टेक्निकल वर्क जो करना बहुत ज़रूरी है, मेन काम बस वही है इसके अंदर। तो अभी अपन चेक करेंगे दोबारा से इसके फॉल्ट्स, बट मीटर के अंदर लाइट्स अभी भी ब्लिंक कर रहे हैं ट्रैक्शन के स्टीयरिंग के, तो कैसे हटाएंगे वो भी अपन देखते हैं। तो फॉल्ट्स इसके अंदर आ रहे हैं अभी भी कंप्लीट, पहले क्लियर करेंगे फॉल्ट्स को, चेक करेंगे दोबारा से क्या लाइट्स जा रही या नहीं जाएंगी, और अगर नहीं जाएंगी तो फिर अपन क्या करने वाले हैं इसके साथ में।
ये इसका मॉड्यूल का कोडिंग लिखा था यहाँ पर, और यू डी टी सी। तो सप्लाई वोल्टेज, लेफ्ट फ्रंट एबीएस, व्हील सेंसर, मतलब बहुत सारे फॉल्ट्स इसके अंदर आ रहे हैं। सबको पहले एक बार क्लियर करते हैं, कुछ स्ट्री फॉल्ट्स भी होते हैं इसके अंदर, करंट फॉल्ट भी आ रहे थे कुछ, तो पहले इसको क्लियर करते हैं। तो क्लियर फॉल्ट्स हो जाने के बाद में क्या रिजल्ट आता है वो देखते हैं। बाकी मीटर के अंदर तो अभी भी एबीएस और ट्रैक्शन अभी भी कंटिन्यू ब्लिंग ब्लिंग कर रहे हैं। ब्रेक्स के अंदर अभी अपन जाके देखते हैं, मेन काम हमारा ब्रेक्स के अंदर ही हो रहा है। तो ये कोडिंग फिर से और ओके, जी डी टी सी और स्टीयरिंग एंगल सेंसर नो और इनकरेक्ट, बेसिक सेटिंग अडेप्टेशन और लेटरल एक्सेलरेशन सेंसर, लॉन्गिट्यूडनल एक्सेलरेशन सेंसर और सेंसर 1/2। तो कंट्रोल मॉड्यूल नॉट कोडेड 01042, कंट्रोल मॉड्यूल नॉट कोडेड, यानी कि एबीएस का जो कंट्रोल मॉड्यूल है उसकी कोडिंग नहीं की है हमने। जो नया हमने मॉड्यूल डाला है इसके अंदर उसकी कोडिंग हमको करनी होगी। यानी कि अगर आप ऐसे ही किसी भी गाड़ी का सामान इसके अंदर डाल देते हैं और सोचते हैं कि हमने नया पार्ट डाल दिया, तो दोस्तों वो गाड़ी सही नहीं होगी। ब्रेक दबाएंगे, चेक करेंगे कि गियर लगेगा, पहले की तरह स्टक तो नहीं है, तो नहीं लग रहा है, सेम दिक्कत इसके अंदर अभी भी बनी हुई है। तो ऐसा नहीं है कि ये पार्ट हमने मंगाया वो ख़राब है, नहीं जी, वो पार्ट एकदम ऑल ओके है, बट जो फॉल्ट है कंट्रोल मॉड्यूल नॉट कोडेड, हमको कोडिंग करनी होगी नए पार्ट के साथ में। नए पार्ट के अंदर हमें कोड करना पड़ेगा, नया पार्ट इस गाड़ी के कोड के हिसाब से हमें कोड करना होगा, और ये गाड़ी तभी ओके होगी। हम ये नहीं कर सकते कि हम नया पार्ट एकदम डाल देंगे इसके अंदर ये और गाड़ी ओके हो जाएगी, ऐसा नहीं है। अदर कार्स में, कुछ कार्स में ऐसा होता है कि हो जाती हैं, पर इसमें नहीं होगा ऐसा। दिस इज़ ऑडी, इसके अंदर हमको कोडिंग प्रोग्रामिंग करनी होगी। वो किस तरह करते हैं एबीएस की कोडिंग, वो हम आज आपको शेयर करने वाले हैं कुछ। तो करंट के ईसीयू की कोडिंग है ये, और हम डालने वाले हैं 838607। रूटीन नॉट बी अवेलेबल फॉर, तो एक मिनट, दूसरे तरीके से इसको देखना पड़ेगा। ये ऑडिस स्कैनर से भी हो जाती है अपने पास, वो भी है, बट बहुत सारे लोगों के पास में ऑडिस नहीं होती है, तो हम इसको आपके साथ में शेयर करना चाहेंगे कि लॉन्च के स्कैनर से हम इसको आपको दिखा पाएँ। ऑडिस अपने पास में है पर अपन उसे नहीं कर रहे हैं, अपन लॉन्च से ही आपको शेयर करेंगे ये पूरा प्रोसेस इसका कैसे होता है। तो प्लीज़ आप इसको बड़े ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर जो नोटिस आ रहा है कुछ आप देख पा रहे हैं, मतलब इससे थोड़ा कुछ अलग प्रोसेस है करने का, वो प्रोसेस समझना होगा। और अगर और बाकी आप देख पा रहे हैं कि ट्रैक्शन की और जो टीपीएमएस की लाइट है और हैंडब्रेक की लाइट है पी की, वो लाइट अब आप देख पा रहे हैं कि ब्लिंग ब्लिंग से रुक चुकी है, अब ब्लिंग ब्लिंग नहीं हो रहा है वहाँ पर। पर लेकिन एक प्रॉब्लम है कि गियर लीवर तो अभी भी स्टक है, और अगर ये नहीं हो पाएगा तो फिर लास्ट में अपने पास लास्ट ऑप्शन है कि अपन फिर ओडिस से करेंगे, बट कोशिश है कि अपन लॉन्च से इसको दिखा पाएँ आपको। तो ओडिस है अपने पास, बट अभी अपन लास्ट, ये अपना लास्ट ऑप्शन होगा इसके अंदर में। तो लाइट्स तो हमारी जो बिलिंग्स हो रही थी वो रुक चुकी हैं लॉन्च, और अभी पहले लॉन्च को कनेक्ट करते हैं। अवधि ओके, तो ये भी प्रोसेस हो रहा है। हेल्थ रिपोर्ट, यस, और ये भी प्रोसेस इन प्रोसेस हो रहा है। ये पूरा प्रोसेस दिखाएगा इसकी हेल्थ रिपोर्ट लेने के लिए, पूरा 100% तक ये जाता है। फॉल्ट है इंजन इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, क्या फॉल्ट आप देख पा रहे हैं, सिस्टम सिलेक्शन, ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हम जाएंगे। ये कोड फिर लिखा गया उसका एबीएस कंट्रोल मॉड्यूल का, ओके, जीडीटीसी सॉरी, उसके बाद में ओवर बूस्ट अडेप्टेशन, स्टीयरिंग एंगल सेंसर, लॉन्गिट्यूडनल सेंसर 1/2, और रोटेशन रेट सेंसर, ये मतलब
काफ़ी सारे फॉल्ट्स इसके अंदर आ रहे हैं और सबकी एक ही चीज़ लिख के आ रही है आगे कि स्टेट में नो और इनकरेक्ट बेसिक सेटिंग, आपको बेसिक सेटिंग इन सबका करना है, ना ओपन सर्किट है ना ख़राब है, कुछ भी नहीं बोला इन्होंने। तो अपन क्लियर करते हैं तो ये क्लियर भी नहीं होते हैं। तो क्या है अपने पास ऑप्शन, हम इसको करेंगे बेसिक सेटिंग। तो बेसिक सेटिंग कैसे करनी है लॉन्च से, वो इस वीडियो में आज अपन देखेंगे। I'm coming for the.
I'm coming for the throne. So you wanna be my enemy? You should've known I'd never kiss the rain. Ice runs in my veins, won't play it safe. I don't belong with your nobility. Who died and made you king of anything? You think that I'm insane? It's your mistake. Kingdoms rise and fall. I've come to take it all. I'll take it. I've come to take it. Kingdoms rise and fall. Control, feel it in my bones. I'm coming for the, coming for the. I'm coming for the throne. I'm coming for the throne. Nah.
sun's rising, and I've been cold for so long. One touch and we're igniting, setting fire to it all. You know these flames ain't going out. This building is crumbling to the ground. Don't think that we can stop it now, 'cause baby our love is gonna burn down. You know these flames ain't going out. This building is crumbling to the ground. Don't think that wanna stop it now, 'cause baby our love is gonna burn it down. Kiss the rain. Ice runs in my veins. Won't play it safe. I don't belong with your nobility. Who died and made you king of anything? You think that I'm insane? It's your mistake. Kingdoms rise and fall. I've come to take it all. Take it,
तो आइए देखते हैं गाड़ी के अंदर चल के कि क्या इसके अंदर पहले की तरह लाइट्स आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। जो ट्रैक्शन की TPMS की लाइट्स थी इसके अंदर वो आ रही थी, हैंड ब्रेक की लाइट आ रही थी। तो इसके अंदर कोई भी लाइट नहीं है दोस्तों, गाड़ी स्टार्ट है, हैंड ब्रेक की लाइट है वो अप्लाई है इसलिए आ रही है, तो उसको डाउन कर देते हैं। तो ये लाइट भी गई है। तो दोस्तों गाड़ी हमारी एकदम डन हो चुकी है और प्रॉपरली इसका जो गियर लीवर है वो भी काम कर रहा है और यह पहले की तरह एकदम नॉर्मल हो चुकी है। तो फाइनली दोस्तों ऑडी Q3 पहले की तरह नॉर्मल हो चुकी है, सारी लाइट्स उसके अंदर से जा चुकी हैं, ABS का प्रॉपरली काम कर रहा है। अपन ने ट्रायल लिया गाड़ी की, कोई भी लाइट इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर नहीं आ रही है, मतलब गाड़ी पहले की तरह हो गई है, इसका प्रॉपरली पहले की तरह वापस से ABS काम कर रहा है। और जो इसका जो गियर लीवर है स्टकिंग हो जाती थी वो भी अब नहीं हो रही है, जो ऐसा होता है कि मतलब आप ब्रेकिंग दबाते हैं, ब्रेक पैडल दबाते हैं और लीवर का बटन दबाते हैं तो आप गियर शिफ्ट करते हैं वो शिफ्ट हो जाएगा, पहले वो दिक्कत आ रही थी, तो वो अब सारे ECU इसके अंदर से ख़त्म हो चुके हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, मतलब बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है बट डिटेल में समझाने के लिए थोड़ा लंबा करना पड़ा वीडियो को। तो कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा है तो उसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा फ्री ऑफ कॉस्ट और बेल नोटिफिकेशन को भी आप पुश करके ऑन कर दीजिएगा ताकि अगली बार जब भी कोई वीडियो आएगा आपको मिलता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।